नमस्ते, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया। आज हम बात करने वाले हैं रॉक रोज के बारे में। ये एक डर की मेडिसिन है। हमने अब तक तीन मेडिसिन देख लिए डर के लिए। आस्पेन, जो कि अकारण डर रहता है जिसके मन में। फिर मिम्यूलस, जिसमें सकारण डर रहता है कि जो डर का कोई रीजन हो। और रेड चेस्टनट, कि जिसको दूसरे के लिए ज्यादा डर रहता है कि औरों को कुछ हो जाएगा या फिर उनके लाइफ में कुछ संकट आ जाएगा। और एक मेडिसिन हमारा बाकी है अभी, जिसका नाम है चेरी प्लम। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं रॉक रोज। रॉक रोज का डर, इसको हिंदी में आतंक कहेंगे। आतंक, जब हम लोग कोई आतंक की परिस्थिति में फंस जाते हैं तो वो स्थिति को मैनेज करने के लिए हमको रॉक रोज लेना चाहिए। अब आतंक की स्थितियां हम लोग वन बाय वन देखेंगे। जैसा हमको अभी कोरोना चल रहा है तो उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोरोना हो गया और आईसीयू में एडमिट कर दिया है। वहां पर क्या हो रहा है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि यू आर सीरियस। आईसीयू में तो सीरियस ही रहेगा। आजू बाजू में एक एक पेशेंट रोज एक्सपायर हो रहा है। अब वहां रहना, ये सब देखना और वहां रहना, ये कंडीशन पेशेंट के दिमाग में एक डर, आतंक, दहशत पैदा कर देती है। वो डर की स्थिति इतनी भयानक रहती है कि उसको लगता है कि अभी के अभी यहां से निकल के भाग जाना चाहिए, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको बीमार हो तो ट्रीटमेंट करना ही है। वो जो 4-8 दिन 10 दिन रहते हैं आईसीयू के, वो अच्छे से निकालने के लिए रॉक रोज देना चाहिए। इसके लिए और एक मेडिसिन मैंने बताया था एक वीडियो में, रेस्क्यू रेमेडी, कि जिसमें और भी 4 दवाइयां हैं, लेकिन वो इमरजेंसी में देते हैं हम लोग। अभी अगर सिर्फ डर के लिए अगर चाहिए हमको, तो हम लोग रॉक रोज दे सकते हैं। जैसे घर में कोई, सब जन को घर में कोरोना हो गया है और घर में का एक जन एक्सपायर भी हो गया है, बाकी बचे हुए लोग, इनके दिमाग में एक दहशत हो जाती है, एक डर पैदा हो जाता है कि हम लोगों का क्या होगा। और वो समय काटने के लिए रॉक रोज लेना चाहिए। अभी 2 साल पहले महाराष्ट्र में बहुत बाढ़ आ गई थी। कोल्हापुर साइड में पूरे गांव के गांव डूब गए थे। 12 से 15 फीट का पानी करीब करीब 4-8 दिन तक वो एरिया में था। तो जो लोग घर में फंसे हुए थे, उनकी दिमाग की हालत आप सोच के देखो। आप वो सिचुएशन में एक बार जाके देखो कि क्या लगेगा। वो जो स्थिति रहती है उसको आतंक बोलते हैं। आपका कोई नियर रिलेटिव आईसीयू में भर्ती है और डॉक्टर बोलता है कि आई कैन से एनीथिंग 72 आवर्स, तो वो 72 आवर्स आपके लिए एक भयानक टाइम होता है। कि कैसे बिताए, आप सो नहीं पाते, खा नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते। आप रॉक रोज लेने से आपका मेंटल स्टेट थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। सो आप वो जो हादसा है, वो जो सिचुएशन है, उसमें से इजीली जा सकते हैं एंड यू कैन टेक द राइट डिसीजन। कि जमाने में पहले, कुछ साल पहले, दंगे फसाद बहुत हो जाते थे। और दंगे में पता है आपको सिचुएशन क्या होती है। तो अगर कोई फंस गया रहेगा, मैं एक बार फंसा हो ऐसे सिचुएशन में, चारों ओर कर्फ्यू, बाहर भी निकले तो भी शूट एट साइट, और कब क्या होगा पता नहीं। ऐसे सिचुएशन में जब रहते हैं तो दैट इज द पैनिक स्टेट, आतंकी स्टेट बोलते हैं इसको। तो वो सिचुएशन को सहन करने के लिए रॉक रोज ले। पैनिक के स्टेट में रहते हैं तो हमारे सिम्टम्स कैसे रहते हैं,
हर एक आदमी ने लाइफ में कभी न कभी पैनिक स्टेट का एक्सपीरियंस लिया होगा। पहले तो क्या होता है, एकदम घबराहट हो जाती है, छाती में धड़ धड़ होने लग जाता है, गला सूख जाता है, ठंडा पसीना छूट जाता है और बेचैनी हो जाती है साथ में, क्या करे क्या नहीं करे, और बस अब कुछ हो जाएगा अपने को, ये कंडीशन रहती है। दीज आर द फिजिकल सिम्टम्स ऑफ पैनिक। किसी किसी को पैनिक स्टेट में जाने के बाद में पेट में कुछ तो एसिडिटी बढ़ जाता है, पेट में खड्डा पड़ जाता है, या बहुत ज्यादा डकारे आने लग जाती है, या फिर ऐसी कोई बात सुनते ही बाथरूम भागना पड़ता है। दो नंबर, तो दीज आर द फिजिकल सिम्टम्स ऑफ पैनिक स्टेट। तो जिसका रॉक क्रूज मेडिसिन है, दहशत की स्टेट, आतंक की स्टेट। तो इसके बाद हम देखेंगे कि रॉक क्रूज के क्रॉनिक सिम्टम्स क्या है। क्रॉनिक मतलब, अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था, तो समझने में आसानी होगी पेशेंट का बताने के बाद में। 1 साल पहले उसके फादर एक्सपायर हो गए, उसके सामने उनको हार्ट अटैक आया एंड ही कोलैप्स्ड एंड गॉन। ये उसने आंखों से देखा अपने, तो एकदम शॉक लग गया उसको, स्टार ऑफ बेथ का कंडीशन। लेकिन उसने तो स्टार ऑफ बेथ लिया नहीं, धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गया। 10-15 दिन, महीना जाने के बाद में उसका मेंटल स्टेट स्टेबल हो गया। लेकिन ये जो डर, ये जो शॉक लगा था, ये अंदर के अंदर उसका काम कर रहा था, अंदर ही अंदर वो कमजोर होते जा रहा था। उसकी नसें, उसकी नर्व्स, दे वेर बिकमिंग वीकर एंड वीकर एंड वीकर। तो उसके बाद कभी भी वो ऐसी न्यूज नहीं सुन पाता था। टीवी में भी अगर कोई न्यूज सुन लेगा ऐसे कि ये एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मर गए, या वो जो फोटोज आते हैं एक्सीडेंट के एक्चुअल, वो देख नहीं सकता था। देखते बरबर वो पैनिक स्टेट में जाता था, उसको धड़ 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 होने लग जाता था, मुंह सूख जाता था, दो नंबर जाना पड़ता था। कुछ दिन के बाद में उसके हाथ पैर में भी मुंगी आने लग गया, थकान आने लग गई, तो उसके नर्व्स थक गए, फिजिकली वो टायर्ड हो गया। उस स्टेट में भी रॉक रोज काम करता है। अब रॉक रोज दो, साथ में स्टार ऑफ बेथ दो और हॉर्नबिल, ये 3 दवाएं देने के बाद में धीरे 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 आदमी उसमें से बाहर निकल जाता है। पेशेंट आया था, उसको जैसे ही छाते में इधर थोड़ा सा दुखता था लेफ्ट साइड में, तो वो एकदम पैनिक स्टेट में चले जाता था। तुरंत EMT कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता था, ECG कराता था, और वो जब बोलते थे कि हाँ तुझे कुछ नहीं है, तो थोड़ा सुख कम हो जाता था। लेकिन ये हर बार सेम चीजें रिपीट होती थी। तो मैंने पूछा कि ये तुझे कब से हो रहा है, तो उसने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले या कुछ सालों पहले, 1-2 साल हो गए वो चीज को, मैं गोवा गया था, उधर मैंने बहुत दारू पिया और नॉनवेज भी खाया, स्पाइसी सब। ये खाने के बाद में उसको उस दिन रात को बहुत ज्यादा चेस्ट पेन हुआ, वोमिटिंग हुआ, बेचैनी हुआ, वहीं पर उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो उस दिन भी उसको सेम तकलीफें हो रही थी, जैसे चेस्ट में पेन हो रहा था, घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी। तो अभी भी थोड़ा भी चेस्ट पेन हुआ कि उसको वो पैनिक अटैक ट्रिगर होता है, वो कारण के कि मेरे को कुछ तो हो रहा है। अभी इसके दिमाग में जो डर बैठा हुआ है पहले का, तो धीरे धीरे रॉकरोज, स्टार ऑफ बेथ, व्हाइट चेस्टनट, वॉलनट, ऐसी मेडिसिन उसको 4-6 महीने खिलाने के बाद में नाउ ही इज नॉर्मल। अभी उसको चेस्ट पेन भी हुआ तो बोलता है ठीक है, थोड़ी देर में निकल जाएगा, ये कोई मेरा हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है। तो रॉकरोज इस तरह से भी यूज होता है। बेसिकली इनका नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, ये वीक होने से फिर उन लोग ज्यादा नॉइज, आवाज भी ज्यादा रहेगा तो अभी सहन नहीं कर पाते, टच नहीं सहन कर पाते, ये उनका जो ओडर रहता है, स्मेल,
वो भी कैपेसिटी उनका मतलब इनटॉलरेंस में चले जाते हैं। जैसे कोई फ्रैग्रेंस है, स्ट्रॉन्ग स्मेल है, डियो डिओडोरेंट्स है, ये भी अगर ले लेंगे ना, उनको सर्दी चालू हो जाती है, छींकें चालू हो जाती है, डस्ट नाक में जाएगा तो छींकें चालू हो जाती है, मतलब एलर्जी डेवलप हो गया उनको। तो लेकिन ये एलर्जी का कॉज क्या है? उनका शरीर की थकान, वीकनेस, नर्वस वीकनेस, और इसका कारण क्या है? शॉक। तो हमको ट्रीटमेंट किधर देनी चाहिए? वो शॉक के ट्रीटमेंट देनी चाहिए, तो जाकर के एलर्जी कम होता है। सो मेडिसिन सिलेक्शन इस तरह करना चाहिए। होप आपको रॉक्रो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे मैसेज डाल सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।